जब हम किसी 4K टीवी के साथ कोई 4K डिवाइस कनेक्ट करते हैं और उनको कनेक्ट करने के लिए जो HDMI यूज़ कर रहे हैं वो 4K नहीं है, हमारा टीवी ऑटोमेटिक ही नोट ना ही तो नोट सपोर्ट दिखाता और ना ही अच्छे से चलता, डिस्प्ले बार बार ब्लिंक करती रहती, ब्लैक हो जाती है और बार बार सपोर्ट करती रहती है, ये प्रॉब्लम आती है तब अगर आप 4K टीवी के साथ कोई 4K डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो और आपके पास जो HDMI केबल है वो 4K नहीं है। तो इस प्रॉब्लम के लिए आपको अपनी कोई भी डिवाइस बदलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपकी कोई डिवाइस ख़राब है, आपको सिर्फ अपनी HDMI केबल बदलने की ज़रूरत है। और ये समस्या आज मेरे सामने आई थी तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। मैंने एक जगह CCTV कैमरा इंस्टॉल किए थे और वहाँ पे भी मुझे सेम प्रॉब्लम आई थी, HDMI चेंज कर, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी HDMI चेंज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।